गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, टुडे अगेन आई एम हेयर अलोंग विद यू। टुडे आई एम गोइंग टू प्रिपेयर डिस्कस ए न्यू टॉपिक दैट इज इम्यूनाइजेशन डोज शेड्यूल। दिस टॉपिक कम्स इन द सब्जेक्ट टॉपिक ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी इन डी फार्मा सेकेंड ईयर। सो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट विद डिस्कस बिफोर द स्टार्ट ऑफ लेक्चर वी जस्ट स्टडी अबाउट व्हाट इज डोज शेड्यूल। डोज शेड्यूल क्या है, इम्यूनाइजेशन प्रोसेस क्या है, इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। सो टुडे हमारा आज न्यू टॉपिक है इम्यूनाइजेशन डोज शेड्यूल, कि एक्चुअली डोज शेड्यूल इम्यूनाइजेशन हम क्यों करवाते हैं, इम्यूनिटी की हमें अभी जैसे उस कोरोना केस है, कोरोना फेस है, तो हमें इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग कैसे करनी है, इम्यूनाइजेशन कैसे करना है, डोज शेड्यूल हमें अपना डोज कैसे अपने आप को डोज शेड्यूल 1 डोज शेड्यूल 2 2 रखना है वो चीजें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर वी शुड नो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कि एक्चुअली इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या होते हैं, हमें इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, ठीक है। ए तो क्या है, ए प्रोग्राम ऑफ ग्लोबल इम्यूनाइजेशन नोन एज एक्सपेंड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन दैट इज ईपीआई वाज लॉन्च्ड बाय द डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक अथॉरिटीज बॉडी है भारत की। तो क्या होता है, वाज लॉन्च्ड बाय द डब्ल्यूएचओ, जो एक्सपेंड प्रोग्राम है किसके ऊपर, इम्यूनाइजेशन के पास। एवरी ईयर डब्ल्यूएचओ इसको रिकॉग्नाइज करती है, इसको कंडक्ट करती है, ए प्रोग्राम ऑफ ग्लोबल इम्यूनाइजेशन नोन एज एक्सपेंड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। एम क्या है इसका, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड अगेंस्ट 6 डिजीज लाइक डिथीरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर वैक्सीनेशन। क्यों हम करते हैं, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, की बच्चे को प्रोटेक्ट करे जा और प्रोटेक्ट हम कर सके टू ऑल ओवर द, जो सबसे डेंजरस डिजीज है, जो 6 डिजीज है जो बच्चों के केस में ज्यादातर पीडियाट्रिक्स के केस में इन्फेंट्स के केस में होती है, वो कौन कौन से है डिजीज, डिथीरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, जो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकल जो बॉडी में उससे फैलती है। एंड टेटनस क्या है, किससे फैलती है, दैट इज टेटेनिकोलाई से। एंड मीजल्स क्या है, स्किन डिजीज है, डिप्थीरिया, हैजा, वूपिंग कफ, काली खांसी, खांसी वगैरह उनमें, ठीक है। विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर वैक्सीनेशन, इन डिजीज को हम प्रॉपर वैक्सीनेशन की हेल्प से हम इनको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम प्रॉपर वैक्सीनेशन करके हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। सो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि ग्लोबल ऑल ओवर द वर्ल्ड है, नोन एज एक्सपेंड प्रोग्राम, जो कि जो प्रोग्राम है वो एक्सपेंड होता है एवरी ईयर एपीआई वाज, जिसको कि डब्ल्यूएचओ लॉन्च करता है। इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करना टू ऑल ओवर द वर्ल्ड 6 डिजीज, डिप्थीरिया हो गया, वूपिंग कफ हो गया, टेटनस हो गया, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस एंड मीजल्स, विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर वैक्सीनेशन। अगर जो बच्चों के केस में प्रॉपर वैक्सीनेटेड है तो इन डिजीज से उसको बचाया जा सकता है, ठीक है। सो अब मूव टू द नेक्स्ट पार्ट क्लास। अगर जो मैं बात करूं कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन एक्चुअली क्या होती है, वैक्सीन हम क्यों बच्चों के केस में हम जो है क्यों वैक्सीन करवाते हैं, जैसे अब कोरोना है, हमने अपने आप को वैक्सीनेटेड किया, क्यों हमने किया, वैक्सीन एक्चुअली क्या है, व्हाट इज दिस, ए प्रोडक्ट दैट स्टिमुलेट्स ए पर्सन इम्यून सिस्टम, क्या है, जो बॉडी का, जो मतलब मेल और फीमेल पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू ए स्पेसिफिक डिजीज, किसी भी स्पेसिफिक डिजीज से इम्यूनिटी इम्यूनिटी प्रदान करता है, प्रोटेक्टिंग द पर्सन फ्रॉम दैट डिजीज, की ये फिर पर्सन को प्रोटेक्टिंग करता है किससे, डिजीज से। वैक्सीन क्या है, एक ऐसा प्रोडक्ट और एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा वी कैन से केमिकल दैट स्टिम्युलेट्स ए पर्सन इम्यून सिस्टम, जो कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है किसकी, पर्सन की, और उसकी इम्यूनिटी को स्टिम्युलेट करता है सिस्टम टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, इम्यूनिटी
प्रोड्यूस करता है टू ए स्पेसिफिक डिजीज, प्रोटेक्टिंग द पर्सन फ्रॉम दैट डिजीज। टाइप्स क्या है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, लाइव एक्टिवेटेड वैक्सीन, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन। क्या है फर्स्ट? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, लाइव एक्टिवेटेड वैक्सीन, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन। ठीक है, सो वैक्सीन क्या है? हमने क्या पढ़ा कि हमारी जो बॉडीज है, जो इम्यून सिस्टम है उसकी बॉडी को स्टिमुलेट करता है इसको, वैक्सीन को, इनको, एंड टू प्रोड्यूस द इम्यूनिटी, और बॉडी में इम्यूनिटी इम्यूनिटी प्रदान करता है किसी भी स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट, प्रोटेक्टिंग द पर्सन फ्रॉम दैट डिजीज। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज हिस्ट्री कि इम्यूनिटी जो है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इम्यूनिटी कब होती है, कब इसको हिस्ट्री की, कब ये यूनिसेफ में आई थी, क्या है? इन 1985 यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, UNICE, क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अडेप्टेड द EPI। EPI क्या है? हमने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ा क्या होता है EPI, दैट इज एक्सपेंड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ठीक है, क्या होता है इसमें? विच गोट फर्दर स्ट्रेंथन एंड इन 1980 इट्स नेम चेंज टू यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। तो क्या है, 1985 से जो इसको EPI ने एक्सपेंड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन को अडेप्ट किया था किसको, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को। लेटर दैट क्या हुआ, ये स्ट्रेंथ में आया, ये प्रोग्राम में आया, लेकिन फिर क्या हुआ, 1990 में इसका नाम चेंज हो गया, वो क्या आ गया, यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, की पूरे भारत में पूरे जो बच्चे हैं उनको इम्यूनिटी कर सके, उनको इम्यूनाइजेशन कर सके। ठीक है, सो नेक्स्ट टू द पार्ट, नेक्स्ट स्लाइड, अब है हमारा पर्पस कि एक्चुअली जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल प्रोग्राम था, उसका एक्चुअली मेन पर्पस क्या था? द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड अगेंस्ट द 6 डिजीज बाय द ईयर 2000। क्या होता है कि 2000 मींस 2000 ईयर में क्या था, उसके बाद इसको हर बच्चे को ऑल ओवर द वर्ल्ड अगेंस्ट द 6 डिजीज, कौन कौन सी थी? डिप्थीरिया, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस एंड वैक्सीन से ट्यूबरकुलोसिस हो गया, पोलियो, मीजल्स। ठीक है, ये हमारी 6 हेडिंग जिनसे पूरे भारत में एक ऐसा प्रोग्राम सेट करना जिससे कि प्रोटेक्शन को हम प्रोवाइड कर सके टू चिल्ड्रन, टू द चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड अगेंस्ट द 6 डिजीज। कौन कौन सी थी, मैंने आपको बताया अभी कि डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस एंड मीजल्स। इन 6 डिजीज को हम वैक्सीन की हेल्प से हम इनको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन 2000 में इसके बाद इसको प्रोग्राम में लाया गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इन दिस शेड्यूल, इसके अंदर क्या था, देर हैव स्टेट इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल्स, नंबर ऑफ डोजेस एंड रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इम्यूनाइजेशन एजेंट, these above have shown in tabular form as follows. क्या है हमारा फर्स्ट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इसमें क्या था कि ये स्टेट लेवल पे इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल्स है, नंबर ऑफ डोजेस कितनी है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितना है, इम्यूनाइजिंग एजेंट कहता है कैसा है, these above have shown in tabular form. ठीक है, अब है हमारा स्टेट ऑफ इम्यूनाइजेशन कि स्टेट ऑफ इम्यूनाइजेशन हमारा कैसा है, एंड एज क्या है, इम्यूनाइजिंग एजेंट क्या है, नंबर ऑफ डोजेस एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा इन्फेंट्स। इन्फेंट्स क्या है, इन्फेंट्स हमने ले लिया कि स्टेट ऑफ इम्यूनाइजेशन की वो उसका सेक्स क्या है, वो एज है, उसका सेक्स क्या है, वो मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बच्ची है, तो उसका तो क्या है, इन्फेंट्स। तो एज क्या है, 6 week to 9 month। ठीक है, जिसकी जो बच्चा है वो इन्फेंट्स है, वो 6 week to 9 month। इम्यूनाइजिंग एजेंट क्या है उसका, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, वर्टिस, पोलियो, BCG एंड मीजल्स, नंबर ऑफ डोजेस एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या है, नंबर ऑफ डोजेस 3 है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, IM, इंट्रामस्कुलर, 3 नंबर ऑफ डोजेस एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, PO,
ठीक है। फिर है आईडी इंट्राडर्मल, और ऐसे क्या है सबकुटेनियस, ठीक है। लेकिन क्या है इसमें, जो हमारी 6 वीक टू 9th मंथ है उसमें डीपीटी है और पोलियो है एंड बीसीजी, लेकिन जो 9th से 12th मंथ है वो है हमारी इम्यूनाइजिंग एजेंट मीजल्स, ठीक है। इसके बाद है चिल्ड्रन के केस में, चिल्ड्रन के केस में जो मंथ है कितना 16 टू 24 मंथ, ठीक है, उसमें क्या है डीपीटी पोलियो एंड वन है डोज शेड्यूल, आईएन क्या है और आईएनपीओ, ठीक है। लेकिन क्या है एज 5 टू 6 इयर्स उसमें क्या है डीटी टाइफाइड, टाइफाइड क्या है ट्यूबरकल माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकल या सेलमोना टिम्फी, ठीक है, इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस। लेकिन जो बच्चे की एज 10 साल है या उससे अबव है तो वो क्या है टीटी, मतलब उसको टाइफाइड के इंजेक्शन या फिर डोज इम्यूनाइजिंग हो जाए होगा, टाइफाइड आईएम और ऐसे 16 इयर्स में टीटी टाइफाइड आईएम और ऐसे। अब क्या है प्रेग्नेंट वोमन, प्रेग्नेंट वोमन में 16 टू 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी टीटी इंट्रा मस्कुलर, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेट ऑफ इम्यूनाइजेशन, एज क्या है, इम्यूनाइजिंग एजेंट क्या है एंड नंबर ऑफ डोजेस क्या है एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले अब बात आते हैं स्टेट ऑफ इम्यूनाइजेशन, जिसमें इन्फेंट्स आता है, चिल्ड्रन है, आपका प्रेग्नेंट वोमेन, ठीक है। एज में क्या है 6 वीक है टू 9th मंथ, 9 मंथ 9th टू 12th मंथ एंड चिल्ड्रन में 16 टू 24 मंथ, 5 टू 6 इयर्स, 10 इयर्स, 16 इयर्स एंड प्रेग्नेंट वुमन में 16 टू 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। इम्यूनाइजिंग एजेंट में क्या है डीपीटी पोलियो बीसीजी मीजल्स एंड डीडीटी डीपीटी पोलियो एंड डीटी टाइफाइड, टीटी टाइफाइड, टीटीटी टाइफाइड एंड टीटी, ठीक है। अब आती है नंबर ऑफ डोजेस किस किस की एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन्फेंट्स में क्या है 3 में इंट्रामस्कुलर, 3 क्या है पी में परकुटेनियस ऑब्जर्वेशंस, आई में इंट्राडर्मल, आई में वन में एससी मतलब सबकुटेनियस, इंट्रामस्कुलर वन पीओ आईएम इंट्रामस्कुलर इसमें सबकुटेनियस इंट्रामस्कुलर सबकुटेनियस इंट्रामस्कुलर सबकुटेनियस, ठीक है। देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज बूस्टर डोज। जो ये हमारा स्टार है मतलब वन, तो वन डोज में क्या है हमारी बूस्टर डोज लगी है वो कब लगी है, वो किस फेस में लगी है, किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से वो लगी है इंट्रामस्कुलर। लेकिन अब 16 टू 24 मंथ में वो वन बूस्टर डोज लगी है वो इंट्रामस्कुलर और पेरिटोनियल। फिर है 5 टू 6 इयर्स में जो डीटी जो टाइफाइड की वो है वन डोज लगी है इंट्रामस्कुलर, ठीक है ऐसे। अब है बूस्टर डोज, बूस्टर डोज क्या है कि 2 डोजेस शुड बी गिवन विद अ गैप ऑफ नॉट लेस देन 1 मंथ, कि आप 2 डोजेस का जो गैप है वो 1 मंथ का गैप होना चाहिए। अगर जो आपने जनवरी में बूस्टर डोज लगवाई है तो आपको मार्च में बूस्टर डोज लगवानी है, मीन्स यू हैव टू यू 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 हैव टू शुड बी गिवन टू द 1 गैप 1 मंथ ऑफ द गैप, ठीक है। अब क्या है बीसीजी, बीसीजी शुड बी एडमिनिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, बीसीजी शुड बी एडमिनिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ, तो क्या है बर्थवेट कार्बेट ग्लोरिन, ठीक है। बीसीजी क्या है बेसिलस कॉलमेट ग्वारिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब वो एट द टाइम ऑफ बर्थ इसको एडमिनिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ में इसको करना चाहिए। तो क्या है नोट हमारा कि जो हमारी 2 डोजेज है उनके बीच में जो गैप है वो नोट लेस देन 1 मंथ का होना चाहिए, दैट शुड बी नोट लेस देन 1 मंथ ऑफ द गैप दैट शुड बी गिवन। सेकंड है बीसीजी शुड बी एडमिनिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। इसके बाद है आपका वू ईपीआई इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, WHO EPI इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की अकॉर्डिंग टू WHO EPI एक्सपेंड फार्मा एक्सपेंड क्या है एक्सपेंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो अकॉर्डिंग टू दिस
शेड्यूल द बीसीजी एंड पोलियो वैक्सीन आर आइदर एडमिनिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि जो बीसीजी की वैक्सीन है और पोलियो की वैक्सीन है वो एडमिनिस्टर्ड करनी चाहिए एट द टाइम ऑफ बर्थ. क्यों? और व्हेन द इन्फेंट फर्स्ट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द डेवलपिंग कंट्रीज वेयर द डिजीज आर अनकंट्रोल्ड. लेकिन जब जो इन्फेंट है वो फर्स्ट कम्स इन कॉन्टेक्ट कब, जो डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पर इसका जो आउट ऑफ कंट्रोल है, इसको कंट्रोल हो रहा है, दैट इज जैसे पेंडेमिक है, डिजीज है, COVID-19 है, तो हमें इसको जल्दी से इसको डोज को एडमिनिस्टर्ड करवाना चाहिए और इस वैक्सीन को इंजेक्ट करवाना चाहिए. The dose schedule should not be delayed in case of child suffers from the low grade fever. जो ये dose है, the dose schedule should not be delayed. हमें इसको delayed नहीं करना चाहिए. In case of the child की, हमें इसको बच्चों के केस में इसको dose schedule को delayed नहीं करना चाहिए. क्योंकि जो जो बच्चे low grade fever है, जिनका fever एवरेज से नॉर्मल नॉर्मल रहता है, मिल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिनकी खांसी है, जुकाम है, जिनका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, डायरिया होता है, हैजा वगैरह होता है, दिस माइनर इलनेस इज नॉट कंसिडर्ड एज ए कॉन्ट्राइंडिकेशन टू इम्यूनाइजेशन. ठीक है, तो क्या है WHO-EPI में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कि जो अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो BCG है एंड जो वैक्सीन है, जो पोलियो वैक्सीन है, आर आइदर administered at the time of birth or when the infants or when the infants are the proper vaccines, then to the first comes in contact with the conditions, that is the developing country where there is disease are controlled. ठीक है, then vaccinations against the mycobacterium, that is BCG. क्या है Bacillus Calmette-Guérin, ये क्या है कि ऐसी है डिजीज जो पोलियो से, जैसे एंड पोलियो की ये वैक्सीन्स की डिजीज है, ये आपको वैक्सीन्स लगवानी पड़ेगी जब आप बच्चों को फेस कर. ठीक है, इसके बाद क्या है कि आपका डेवलपिंग कंट्रीज देयर देयर डिजीज आर अनकंट्रोल्ड, सो द डोज शुड आल्सो द डोज शुड नॉट बी डिलेड इन केस ऑफ चाइल्ड सफर्स फ्रॉम द लो ग्रेड फीवर, कि जो बच्चे लो ग्रेड फीवर के, जिनको बुखार दिन में उतरता है, चढ़ता है, उनके केस में हमें इसमें डिलेड नहीं करना चाहिए. और जिनको मिल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जिनको भी खांसी जुकाम वगैरह होता है, खांसी होती है, डायरिया होता है और माइनर इलनेस है, इज नॉट कंसिडर्ड एज ए कॉन्ट्राइंडिकेशन टू इम्यूनाइजेशन. ठीक है, लेकिन क्या है वैक्सीनेशन अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मैं जैसे बात करूं एग्जांपल की, इज डन बाय माइकोबैक्टीरियम बोविस बेसिलस काल्मेट-गुएरिन. तो क्या है बेसिलस काल्मेट-गुएरिन वैक्सीन इज पार्शियली सक्सेसफुली इफ एफिकेसी बीइंग वेरिएबल. ठीक है, लेकिन इसको WHO जो टीबी है ट्यूबरकुलोसिस, लेकिन इसको ट्रीट हम ऐसे करेंगे जैसे कि फर्स्ट लाइन ड्रग है, जैसे कि दीज ड्रग हैव नो एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी और नो टॉक्सिसिटी एंड आर यूज्ड रूटीन में. हमें इसको रूटीन में लेना होगा, जैसे कि आइसोनियाजिड है, INH, इथामप्रोल है, रिफाम्पिसिन है, पायराजिनामाइड है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये डिजीज. ठीक है, लेकिन कुछ ड्रग हमारी ऐसी होती है जो सेकंड लाइन ड्रग्स है, जैसे कि इथोनामाइड हो गया, साइक्लोस्पोरिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया, प्रोथिनामाइड हो गया, रिफाम्पिसिन हो गया, ऐसे. तो फिर है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जो हमारी वैक्सीन से रिलेटेड है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जैसे कि MDR. वो क्या है कि ऐसी ड्रग जो कि करंट रिकमेंडेड होती है थेरेप्यूटिक स्ट्रेटेजी इन इंडिया में वास्ट होती है, जैसे कि डोज. क्या है डोज? डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी. क्या है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स इज बेस्ड ऑन द को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आइसोनियाजिन, रिफाम्पिसिन, pyrazinamide for the first 2 months followed by a prolonged treatment with INH and rifampicin for an additional 4 to 7 months. ठीक है, अब क्या है इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट, वो है हमारा कि WHO-EPI इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में एज ऑफ द चाइल्ड, अगर जो बच्चे की एज एट 6 बर्थ है, क्या है अगर जो बच्चे की एज
एट बर्थ जन्म के दौरान तो हमें उसको बीसीजी एंड ओरल जो पोलियो है हमें उसको इम्यूनाइजेटिंग एजेंट करना चाहिए। लेकिन जो बच्चा 6 वीक है, बच्चे की एज 6 वीक है, तो हमें उसको डीपीटी एंड ओरल पोलियो की वैक्सीन उसको इंजेक्ट करवानी चाहिए अगर जो बच्चा 6 वीक में है। अगर जो बच्चे की एज 6 वीक्स तक है तो हम इसको डीपीटी एंड ओरल पोलियो को, लेकिन बच्चा अगर जो 14 वीक्स में तो डीपीटी एंड ओरल पोलियो, लेकिन जो 9 वीक्स में है ओनली उसमें हमें मीजल्स के केस में इसको इम्यूनाइजिंग एजेंट डालना चाहिए। ठीक है, क्या है जो WHO है और EPI है, एक्सपेंड है जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करता है, उनमें बच्चे की एज को देखा जाता है और इम्यूनाइजिंग एजेंट की आप किस वे से इम्यूनाइजिंग जो आपका है एजेंट कैसे आप उसको करते हैं। बर्थ के टाइम में 6 वीक में जब बच्चा 6 वीक में जाता है, 9 वीक में जाता है, 10 वीक में जाता है एंड 14 वीक में जाता है, तो ये सारा है आपका जो इम्यूनाइजिंग एजेंट में करता है डिपेंड। बीसीजी हो गया, वैक्सीन, ओरल पोलियो हो गया, डीपीटी हो गया, ओरल पोलियो हो गया, डीपीटी हो गया, ओरल पोलियो हो गया, ठीक है। एंड इन सब में हमें बीसीजी, एंड बीसीजी क्या है, बेसिलस कालमेट गुआइलेट, तो ये क्या है ओरल पोलियो, हमें इसको इम्यूनाइजिंग एजेंट में इसको करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थी हमारी स्लाइड की, इसमें की हमारी जो इसमें भी हमें जो इम्यूनाइजिंग एजेंट है हमें भी इसमें शुड नॉट लेस देन कि हमें गैप ऑफ नॉट लेस देन 1 मंथ, हमें इसमें 1 मंथ का गैप इसमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है टाइम टाइम ऑफ बर्थ की, आपका बीसीजी जो आपसे वैक्सीन लगवाई है वो किस फेस में लगवाई है आपने। ठीक है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका ये कि स्टेट ऑफ इम्यूनाइजेशन आपका कैसा है, एज आपकी क्या है, इम्यूनाइजिंग एजेंट आपने कैसा आपने किया है, कि आप इन्फेंट्स हो, अगर जो आप इन्फेंट्स को कर रहे हो इम्यूनाइजिंग शेड्यूल, तो आपने कौन सी इम्यूनाइजिंग एजेंट लगवाया है, डीपीटी लगवाया है, पोलियो वैक्सीन लगवाया है, बीसीजी, और नंबर ऑफ डोजेस आपकी कैसे है, 3 है, 3 नंबर ऑफ डोजेस है, पोलियो में 3 नंबर ऑफ डोजेस है, बीसीजी में 3, मीजल्स में 1 है, ये सारी चीजें। चिल्ड्रन में 16 to 24 मंथ हो गया, 5 to 6 इयर्स हो गया, 10 इयर्स हो गया, 16 इयर्स हो गया, वो सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे क्या है फिर आपका एज, एज ऑफ द चाइल्ड की बच्चे की एज क्या है, बीसीजी वैक्सीन क्या है, 6 वीक में था, 10 वीक्स में था, 12 वीक में था, वो सारी चीजें। ठीक है, इसमें आपको बीसीजी की है वैक्सीन, लेकिन यहाँ पे क्या है ओनली डीपीटी कि आपका पोलियो डिप्थीरिया टाइफाइड क्या है, डीटी टाइफाइड है, ये सारी चीजें। ठीक है, सो स्टूडेंट्स थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आई होप दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव टू यू, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू व्यूअर्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।